हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आज वेबसाइट पे एक नोटिस जारी हुई है, जो कि आपकी जो अभी रिसेंट में एक भर्ती आई थी, ठीक है, महिला स्वास्थ्यकर्ता, आप डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पता होगा, तो उसके संबंध में एक नोटिस और जारी हुई है। आज काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो एक शुद्धि पत्र आप कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो नोटिस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, पिकअप भवन तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, ठीक है। आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे विज्ञापन देख सकते हैं, 30 दिसंबर की डेट है आज की, विज्ञापन आप देख सकते हैं, ठीक है। दो परीक्षा 2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ठीक है ना। शुद्धि पत्र है एक ये। तो क्या समस्याएँ हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि आयोग के विज्ञापन संख्या दो परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ठीक है, दिनांक आपकी दी हुई है 15/12/2021 द्वारा महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कुल रिक्त 9212 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। तो विज्ञापन के विषय में आपको बताया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एक कुछ प्रार्थना पत्र दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, आयोग में, कि उन्होंने जो है त्रुटिवश जो आपकी पीटी जो परीक्षा हुई थी, अर्हता परीक्षा हुई थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें जो है अपना जेंडर जो है महिला के स्थान पे जो है पुरुष अंकित कर दिया गया था, और उपयुक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण वे इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने में असमर्थ हैं, ठीक है। यानी आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जेंडर इशू जो है यहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे पीईटी में लोगों ने जो है कई जगह लोगों ने अपना जेंडर जो है वो उसमें गलत फिल कर दिया है, या गलती से या जैसे भी, तो उसके संबंध में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और इसके बाद से कह रहा है कि अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ प्रार्थना पत्र दिए गए हैं आयोग में, कि उनके द्वारा जो है पीईटी 2021 में त्रुटिवश जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है, ठीक है, इसके संबंध में अपनी श्रेणी जो है वो पीएच अंकित कर दिया गया था, और उपयुक्त विज्ञापन में विकलांग जन के लिए पदों का चिन्हांकन न होने के कारण वे इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने में असमर्थ हैं। तो जो कुछ त्रुटियां हुई हैं पीईटी में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा याचिका संख्या 30936/2021 गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24/12/2021 में याचिका को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो भी जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस आशय के साथ प्रार्थना पत्र दिया है, ठीक है ना, कि पीईटी में उल्लिखित उनके ईमेल अथवा मोबाइल नंबर परिवर्तित अनुपलब्ध हो जाने के कारण वे स्वास्थ्यकर्ता पद हेतु आवेदन किए जाने के लिए जो भी ओटीपी है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं, तो उनको जो है क्या है अपना ईमेल मोबाइल नंबर संशोधित करते हुए आवेदन की अनुमति प्रदान की जाए, ठीक है। तो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और आयोग के द्वारा जो प्रकरण है ये सारे, इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ दिख जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021 के अंतर्गत जिन महिला अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जेंडर कॉलम में त्रुटिवश अपना लिंग जो है महिला के स्थान पर पुरुष अंकित कर दिया गया है, उन्हें महिला यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा अनुमन्य कर दी गई है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं आवेदन अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने के उपरांत मूल विज्ञापन के प्रस्तर 3 आवेदन पत्र में संशोधन में इंगित प्रक्रिया अनुसार अपना जेंडर संबंधित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में संशोधन करना अनिवार्य होगा, ठीक है, और उपयुक्त अनुसार अगर संशोधन न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ध्यान देना है, अगर अब तक आपने नहीं जो है किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत समस्त पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित है, अतः पुरुष अभ्यर्थी आवेदन हेतु अनर्हर होंगे। तो जो भी इसमें मेल कैंडिडेट्स हैं वो लोग जो है इस पर क्या करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें, उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 5.2 में उल्लिखित वितरण विवरण के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर विकलांगजन को आरक्षण दिए जाने हेतु कोई भी चिन्हांकन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जो है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो याचिका है गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित जो आदेश है दिनांक 24 दिसंबर 2021 में, समादर में याची व उनके समान स्थित
ठीक है, अन्य विकलांगजन को भी उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी अपनी लंबवत श्रेणी के अनुसार नियमों के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, परंतु उन्हें विकलांगजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। थर्ड क्या दिए कहा गया है यहाँ पे, ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल त्रुटिपूर्ण था, ठीक है, जिससे बच्चों को जो है OTP नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in के होम पेज के एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर आप देखोगे, ओपन करोगे वेबसाइट तो फाइल रिक्वेस्ट और चेंज इन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी संशोधन की सुविधा अनुमान्य कर दी गई है, तो आप वहां से इसको सही कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें दिखे दिया गया है, अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्ववत यानी कि 5 जनवरी 2022 ही रहेगी। अभ्यर्थीगण ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा करने के उपरांत विज्ञापन में अनुमान्य प्रविष्टियों में संशोधन दिनांक 12/1/2022 तक ही कर सकेंगे। ठीक है, उक्त तिथि के उपरांत किसी प्रकार के संशोधन नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा दिनांक 15/12/2021 उपयुक्तानुसार संशोधित समझा जाए। तो ये चीज़ें जो संशोधन की गई हैं शुद्धि पत्र इसीलिए है कि जो चीज़ संशोधन किए गए हैं यहाँ पे वो इसी अकॉर्डिंग होंगी, और सारी चीज़ें जो भी 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जो है तुरंत अप्लाई करें अपना। तो UPSSC से जो नोटिस जारी हुई थी जिसका पूरा मैंने आपको एक बार दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसमें, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि मतलब आपने अगर कोई गलती कर दी है जब PET का फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जेंडर में कोई गलती हो गई है, या फिर जो रिजर्वेशन की बात है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात है, और इसके अलावा अगर आपका ईमेल या फिर मोबाइल नंबर चेंज हो गया है जो आपका, और आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल पे OTP नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए जो है आप वेबसाइट पे जाएंगे UPSSC.gov.in और वहाँ पे एप्लीकेंट सेगमेंट में जा करके वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना फॉर्म आप भर सकते हैं, लास्ट डेट आपको बता दी गई है 5 जनवरी 2022। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।